थर्मोडाइनमिक्स में हमने पहले भी ये बात की थी कि यूनिवर्स या कायनात की एंट्रोपी कैसे मुसलसल बढ़ रही है और ये कम नहीं होगी और एक और तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि कायनात में जो तो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी की तरफ बढ़ रही है और ये कम से कम मुफीद होती जा रही है और जो बहस या आर्ग्यूमेंट मैं करती हूँ वो ये कि जैसे जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरा जिसम गरमाइश पैदा कर रहा है और ये गर्माइश एंट्रोपी की तरफ ले जा रही है ये ज्यादा एंट्रोपी की तरफ ले जा रही है कायनात को और एक मुनासिब सवाल ये हो सकता है कि गर्माइश या हीट कैसे एंट्रोपी की तरफ ले जाती है याद रखें कि हीट होती है थर्मल एनर्जी या तो का मुंतकिल होना और एंट्रोपी ये एक सिस्टम की स्टेट है हमारे अंदर जो खराबियां हैं ये इसका एक नंबर है तो यहाँ एक मिसाल को देखते हैं फर्ज कर लें कि ये सफेद चौकोर एक बंद सिस्टम है एक बंद निजाम है और ये मॉलिक्यूल्स आगे पीछे टकरा रहे हैं एक मखसूस दर्जा हरारत में तो इनके पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हर मॉलिक्यूल कुछ अलग चीज कर रहा होगा हो सकता है ये गोल घूम रहे हैं बजाय सीधा जाने के तो ये कुछ भी कर सकते हैं और अब मुंतकिल करते हैं थोड़ी हीट या गर्माइश इस निज़ाम के अंदर तो हमारे पास थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिसको हम हीट कहते हैं और हम अंग्रेजी का क्यू लेटर इस्तेमाल करेंगे हीट को दिखाने के लिए तो हमारे पास यहाँ हीट का मुंतकिल होना नजर आ रहा है इस सफेद डब्बे में और इसकी वजह से सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर चली जाती है ये चीजें ज्यादा तेजी से आगे पीछे टकराना शुरू हो जाती हैं ज्यादा रफ्तार से तो इस सिस्टम में एंट्रिपी क्यों होती है आप शायद कहें कि देखो यहाँ पे इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं वॉल्यूम भी इतना ही है जिसकी वजह से ये भरा हुआ है और एक ही तरह की जगहों पर ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लेकिन हमारा स्टेट सिर्फ जगह या पोजिशन की वजह से इसका तयन नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बात से नहीं कि मुख्तलिफ चीजें कहाँ मौजूद हैं स्टेट वो हर चीज़ है सिस्टम की या निज़ाम की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये पेशन गोई करने के लिए कि आगे क्या होगा सिस्टम के साथ तो स्टेट में शामिल है मुख्तलिफ रफ्तार इन मोलिक्यूल्स की तो जब आपके पास ज्यादा दर्जा हरारत होगा तो आपके पास ज्यादा नंबर होगा उन रफ्तारों का जिनका आप मुकाबला कर सकते हैं याद रखें कि आखिर में ये सब मोलिक्यूल्स आइटम से बने हुए होते हैं जिनमें न्यूक्लिया होता है और इनके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन हरकत में होते हैं और अगर इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं तो ये शायद आपस में इतना करीब ना आ सकें तो फर्ज कर लें कि ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है एक एटम का और कह लें कि ये दूसरा है यहाँ पर अगर इनमें सिर्फ मुनासिब काइनेटिक एनर्जी होगी तो शायद ये इतना करीब आ जाएं। लेकिन अगर ये आपस में बहुत तेजी से टकरा रहे होते ये शायद और करीब आ सकते हैं आपस में दबाव भी दें एक दूसरे को और इस तरह से ज्यादा मुमकिन स्टेट्स हो सकती हैं जब आपके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो तो ये चीजें बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे को दबा दें जबकि ये दोनों बहुत आराम से आए आहिस्ता रफ्तार के साथ बहुत नरमी से एक दूसरे के करीब तो आपके पास ज्यादा पोजिशनल स्टेट्स हो सकती हैं ज्यादा मुख्तलि कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप इसको थ्री डी फॉर्म या तीन जहती में देखें और इसी वजह से हीट जो है वो एंट्रोपी की तरफ ले जाती है अब मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि हीट सिर्फ ख़राबी नहीं पैदा करती बल्कि इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है काम करने के लिए जैसे आपकी गाड़ियों में होता है फैक्ट्रीज में होता है हीट को इस्तेमाल किया जाता है गरमाइश को इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए और ये सच बात है और यहाँ पे हमारे पास इसी की एक मिसाल मौजूद है तो मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इधर आगे पीछे हरकत करते हुए किसी दर्जा हरारत में और अब मैं इस सिस्टम में थोड़ी हीट शामिल करूँगी ये हमने हीट यहाँ डाल दी और इस सिस्टम में ये चारों तरफ से बंद नहीं है ये चीज़ें आपस में और आगे पीछे तेज़ी से टकराना शुरू करती हैं लेकिन ये इस हीट को इस्तेमाल करते हुए इस कंटेनर को भी फैलाने या एक्सपेंड करने में मदद करती हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इस पिस्टन को धक्का देते हैं और यहाँ आपके पास काम हो रहा है किसी तरह का काम हो रहा है और ये काम कैसे हो रहा है तो जैसे जैसे ये चीजें आगे पीछे टकराती हैं हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद कोई मॉलिक्यूल यहाँ से टकराएगा और दूसरी तरफ जाएगा जो इसको थोड़ा सा ऊपर धक्के लेगा लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे मैंने तो सिर्फ थोड़े से बनाए हैं लेकिन किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिक निज़ाम में हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे तो किसी भी एक वक्त में बहुत सारे यहाँ से टकरा रहे होंगे और ये काम कर रहे होंगे ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे होंगे लेकिन कोई भी हीट पर मबनी सिस्टम 100 फीसद मौसर नहीं हो सकता तो इनमें से कुछ इस्तेमाल किए जा सकते हैं काम करने के लिए लेकिन बहुत सारे इस्तेमाल होंगे सिस्टम में ख़राबी पैदा करने के लिए एक तरीका इसके बारे में सोचने के लिए जिसने हमेशा मेरी मदद की है वो ये कि हीट जो है वो थर्मल एनर्जी का मुंतकिल होना है वो होता है सिस्टम की हद पर यानी बाउंड्री पर शायद यहाँ पे कोई आग जली हुई हो जिससे ये हीट पैदा कर रही हो और अगर ये सिस्टम पूरी तरह से बंद नहीं हो तो ये यहाँ इन हदों से हीट रिहा या रिलीज कर सकता है लेकिन सिस्टम के अंदर बढ़ती हुई थर्मल एनर्जी सिर्फ ज्यादा एंट्रोपी की तरफ ले जा रही है अब काम सिस्टम की बाउंड्री पर भी होता है तो यहां ऊपर हो सकता है कि कुछ हीट रिहा हो रही हो लेकिन ये काम भी कर रही होती है तो हीट और काम ये दोनों सिस्टम की बाउंड्रीज पर हदों पर हो रहा है लेकिन इसमें से बहुत सारी तो या एनर्जी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है या जाती है जिसकी वजह से इन चीज़ों की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी और बहुत सारे किस्म की स्टेट्स में ये जा सकते हैं और इसीलिए जब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं इधर उधर चलूँ तो कारपेट के साथ जो फ्रिक्शन पैदा होगी कालीन के साथ जो फ्रिक्शन पैदा होगी इसकी वजह से हीट पैदा होगी तो ये कायनात की एंट्रोपी में शराकत करेगी मेरे जिसम के सेलुलर अमल जो हीट को पैदा करते हैं ये कायनात की एंट्रोपी को बढ़ावा देते हैं जिसकी वजह से कायनात की पूरी तोनाई को कम फायदा मंद बना देती है तो आज के लिए इतना ही